बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना जनरल इल्म की खुशबू। लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इन क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई की वैल्यू को इन्वर्जन मेथड और क्रेमर्स रूल के जरिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्जन मेथड का रूल है 2, 6, 1 and 5। यहां पे वाई अकेला है, इसका मतलब वाई की वैल्यू, वाई का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो सेकेंड जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स और वाई का है इक्वल, और ये तीन दोनों इसके अंदर आ गए। अब इसका नाम हमने रखा ए, ये एक्स है जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक्स और वाई, और ये बी। तो हमने फाइंड आउट करना है, ये आ गया ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ए इनवर्स इनटू बी, यानी इनवर्स या ए दूसरी तरफ देख गए हैं तो वो ए इनवर्स में चेंज हो गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट एडजॉइंट ए और ए डैट। तो इसमें हम पहले एडजॉइंट ए ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास ए है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ए की ए का मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट का रूल ये होता है कि इन दोनों की जो हमने जगह है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देनी है। तो ये आ जाएगा 5 and 2, और इन दोनों की जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। फिर ए डेट 5 2 10 माइनस 6 1 6 इज इक्वल टू 4। अब हमने अर्जाइंट ए और ए डेट दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 इज इनटू बी। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास है अर्जाइंट ए ओवर ए डेट इंटू बी। तो एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास है 5 - 1 - 6 2, ओवर 4 इंटू बी हमारे पास है 3 and 1। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 = 15, 5 3 = 15 -1 and +1 = -1। अब -6 × 3 6 3 = 18, माइनस के दरमियान में आ गया प्लस, 2 1 = 2 ओवर 4। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1 है और 15, तो माइनस ये आ गया 14 और साथ आ गया ओवर 4, और 18 में से 2 निकल गए तो -16/4। अब नीचे शायद ना आए तो यहां पे मैं ऊपर आपको लिख के दिखा देता हूं। यानी ये एक्स जो है ये किसके बराबर है, एक्स और वाई के मैट्रिक्स के, तो उसको ही पूरा लिख लेते हैं। अब 14/4 - 16/4,
तो इसको हम करते हैं 4 2 2 2 4, 7 2 14, 4 1 4, 4 4 16, तो ये आ गया हमारे पास 7/2 एंड -4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। पहला मैट्रिक्स 2 6 3 1 एंड 5, फिर हम लेते हैं ए एक्स, हमारे पास आ गया ए एक्स में पहले ये दोनों एंट्रीज ले लिया हमने, फिर ये वाली 1 एंड 5, और ए वाई में पहले ये लेनी है, ए वाई में पहले ये लेनी है फिर ये लेनी है। अब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा ए एक्स मार्ट ओवर ए मार्ट, और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ए वाई मार्ट ओवर ए मार्ट। तो इसका मतलब है हमें पहले ए एक्स का और ए वाई का और ए का मार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं, उसके लिए करते हैं ए मार्ट हमारे पास आता है ए मार्ट यानी ए डेट, ये आता है 2 5s are 10 -6 1 6, तो ये आ गया 4। ए एक्स डेट, डेट से मेरा डिटर्मिनेंट, तो 3 5s are 15 -1 into 1 is equal to 1, तो ये आ गया 14। अब ए वाई डेट 2 -6 3 is 18, तो ये -16। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ax हमारे पास है 14 ओवर a डेट 4 है, 2 2 4, 7 2 6, 7 2 14, तो 7/2 आ गया x का आंसर। अब ay हमारे पास है -16 और a डेट हमारे पास है 4, तो 4 1 4, 4 4 16, तो -4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, तो यही आपका आंसर है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।